सभी ने किया ईशान से अपने प्यार का इजहार। ईशान ने लगाया सभी को जोरदार चाटा, सभी हुई शॉक। टीवी सीरियल गुमे किसी के प्यार में आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार और ट्विस्ट भरे होने वाले हैं, जहां पर एक तरफ अक्का साहब काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि अब चिन्मय जो है रहने वाला है भोसले हाउस में, लेकिन यशवंत राव भोसले जो है वह वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बाहर चला जाता है। और यह सब देख करके चिन्मय को लगने लगता है कि ये कभी नहीं मानने वाले हैं, लेकिन सुरेखा जो है वह चिन्मय से एक वादा ज़रूर करती है कि आज तक वह डरती आई है अपने पति से और अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब वह ऐसा कभी नहीं करेगी। वह सिर्फ और सिर्फ एक माँ बन करके सोचेगी और हमेशा अपने बेटे का साथ देगी। और वह चिन्मय से यह कहती है कि तुम घर छोड़ करके मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाओगे, और चिन्मय भी वादा दे देता है कि वह घर छोड़ करके और अपनी आई को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। अब एक तरफ जहां घर के सभी सदस्य अपना लेते हैं चिन्मय को और उसका जो भी शौक है उसको भी, लेकिन यहां यशवंत राव भोसले अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है कि यहाँ पर चिन्मय का जो शौक है वह नरमर्दों वाला है और उसे ये शर्म नहीं करना चाहिए था, उसे ईशान की तरह बनना चाहिए था। लेकिन चिन्मय जब यहाँ पर ऐसा करना ही नहीं चाहता, इसीलिए वह उसे पसंद नहीं करते थे और उससे काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते भी थे। लेकिन ईशान को यह पता चला तो उसने उस कॉलेज का कल्चरल डायरेक्टर बना दिया है अब। और यहाँ पर ईशान जो है वह अपने भाई के लिए और सब कुछ भी करेगा जो कि उसे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर यह सारा जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ सभी की वजह से हुआ है। तो अब यहाँ पर यशवंत जो है वह सभी के लिए बहुत बड़ी बात कहने वाला है ईशान से, और ईशान के होश उड़ जाने वाले, क्योंकि वह कहने वाला है कि जो कुछ भी हुआ है तेरी बीवी की वजह से हुआ, अगर तूने समय रहते उसको नहीं संभाला तो एक दिन तुझे ऐसी चोट देगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। वहीं पर ईशान जो है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और दूसरी तरफ सभी जो है वह अपनी बात कहने की कोशिश करने वाली है जो कि कई दिनों से वह कहने की कोशिश कर रही, तो उसे लग रहा है कि आज बहुत अच्छा दिन है और ईशान सर बहुत खुश हैं, और अनवी भी कह रही थी कि आज उसको अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। तो वह बस ईशान से पूरी बातें करने वाली है, और जैसे ही ईशान उसके मुंह से सब कुछ सुनने वाला है तो उसको एक ज़ोरदार तमाचा लगाएगा, और सभी जो है वह एक तरफ हो जा करके देखने वाली है कि आखिर ईशान सर को उसकी बात इतनी बुरी क्यों लग गई, आखिर उसने गलत क्या कहा है। ईशान सभी से कहने वाला है कि तुम बेमतलब की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हो और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, अपनी हद में रहो, तुम मेरी स्टूडेंट हो और एक तरफ मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो तुम मुझसे ये बात कैसे कह सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई। लेकिन सभी काफ़ी ज़्यादा शौक है कि आखिर ईशान सर ने उसे तमाचा क्यों लगाया, क्योंकि एक तरफ तो वह उसके हस्बैंड बने फिरते हैं और उसके लिए सब कुछ करते हैं, जब उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन ईशान जो है यहाँ पर चाहता है कि सभी उससे प्यार न करें बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और यहाँ वह IAS ऑफिसर बन करके दिखाए और अपने घर वालों का सपना पूरा करे, साथ ही साथ अपनी ताई का यहाँ पर देखभाल भी करे। और जैसे ही उसने कहा था कि IAS ऑफिसर बनने के बाद वह घर से चली जाए तो सभी ऐसा ही करे, और सभी यह सब सुन करके काफ़ी ज़्यादा शौक होने वाली है और हैरान भी होने वाली है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।